student, leave it to artwork. Today our topic is still life, half glass and orange. The required material is pencil, eraser, sharpener and scale. Listen beta, aaj pencil setting work start karenge aapka. To iske liye hamare paas two pencil honi chahiye. लाइट पेंसिल वर्क के लिए हमारे पास H2 पेंसिल एंड डार्क वर्क करने के लिए HB एंड शेडिंग करने के लिए हमारी चारकोल पेंसिल होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले मार्जिन ड्रॉ करेंगे. देखिए बच्चों, स्केल की हेल्प से हमने मार्जिन ड्रॉ कर लिए. अब हम यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे. बच्चों ड्राइंग करने से पहले हमें कॉपी मेजरमेंट करना होता है. डिजाइन भी अगर हमें ड्रॉ करनी है तो कॉपी के सेंटर पे, ठीक है. तो अब हम मेजरमेंट करेंगे ग्लास और ऑरेंज बनाने के लिए. नीचे से लेंगे कॉपी के, यहाँ पे इससे बिल्कुल नीचे से बीच में बनाएंगे तो अगर लंबाई हुई तो वो हमारी कॉपी के बाहर चली जाएगी. इसलिए हम बिल्कुल नीचे से इसी लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं. अब हम ग्लास के ड्रॉ करने के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसकी देखिए हमने लाइट पेंसिल से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है. अब हमें इस लाइन की इक्वल नाप लेनी है, 11 सेंटीमीटर हमने मेजरमेंट करा है ग्लास को ड्रॉ करने के लिए. 11 सेंटीमीटर, ये देखिए 11 सेंटीमीटर पे हमने डॉट्स लगा दिए हैं बच्चों. अब हमें ग्लास को, आपको पता है कि ग्लास इस साइड में थोड़ा चौड़ा होता है और नीचे की साइड में थोड़ा सा पतला होता है, तो बच्चों हमें इक्वल इसकी जो नाप है हमारी ये 9 सेंटीमीटर ली है हमने, और 9 का हाफ हमने 4 इन द हाफ कर दिया है. 4 इन द हाफ इस साइड और 4 इन द हाफ इस साइड. तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए हैं. अब हमने लाइन लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ताकि बाद में हम इरेज कर दें. और नीचे का पतला है तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 सेंटीमीटर का हाफ हमने 3 इस साइड और 3 इस साइड डॉट्स लगाए बच्चों. इसे भी लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर दिया है. अब हम ये लाइन, इस लाइन को यहाँ ज्वाइन करेंगे. तो बच्चों देखिए हमने जो मेजरमेंट करा है इसके लिए फिर मैं रिपीट कर रही हूँ. 9 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रिथ 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. अब हम देखेंगे यहाँ पे राउंड करेंगे ग्लास इस तरह से राउंड यहाँ और सेंटीमीटर हल्का सा कर करके करेंगे. अब बच्चों हम शेडिंग वर्क करेंगे. तो पहले हम ग्लास में देखिए इस तरह से शेडिंग करेंगे चारकोल पेंसिल से. शेडिंग में हम
से भी हम इस तरह से शेडिंग करेंगे और रफ पेपर पे हम इस तरह से ब्लैक करके शेडिंग करने से पहले जितनी भी हमने डॉटेड लाइन है इनको हम इरेज करेंगे। ग्लास की शेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके नीचे भी यहाँ पे हल्का सा शेड कर देंगे। अब हम ऑरेंज में शेड करेंगे, नीचे डार्क जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें इस तरह से पेपर को रख करके और इस तरह शेडिंग करनी चाहिए ताकि हमारा ब्लैक जो है हाथ में ना हो करके अब तो कॉपी को गंदा ना करें। और जब हमारा कंप्लीट वर्क हो जाए कॉपी क्लोज करें, तब इस तरह से पेपर को रख करके हम तब कॉपी को क्लोज करेंगे, ठीक है, ताकि ये ब्लैक शेड नेक्स्ट पेज पे ना आ सके। प्रैक्टिस करिएगा। ओके बच्चों।